দলীয় কর্মসূচিতে যোগ দিতে মালদার মানিকচকের মথুরাপুরে পৌঁছলেন কেন্দ্রীয় পঞ্চায়েত দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী কপিল মরেশ্বর পাতিল। বিজেপি কার্যকর্তা সম্মেলনে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সাংগঠনিক জেলা বিজেপি সভাপতি পার্থ সারথি ঘোষ, বিজেপির বিধায়িকা শ্রী রূপা মিত্র চৌধুরী, সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সাধারণ সম্পাদক গৌরচন্দ্র মণ্ডল সহ বিজেপির শতাধিক কর্মীরা। বুধবার কার্যকর্তা সম্মেলন থেকে বেশ কয়েকজন সিপিএম কর্মী সমর্থক বিজেপিতে যোগদান করেন। 100 দিনের কাজ, আবাস যোজনা সহ একাধিক ইস্যুতে রাজ্য সরকারকে এক হাত নিলেন মন্ত্রী কপিল মরেশ্বর পাতিল। जय श्री राम। आप सभी के आशीर्वाद से मोदी जी प्रधानमंत्री बने और मोदी जी ने देखा कि यहाँ पे ज्यादा रोजगार देने की आवश्यकता है पश्चिम बंगाल में, तो ये 10 साल के अंदर 54,150 करोड़ रुपया मोदी जी के राज में मनरेगा में यहाँ पे खर्चा हुआ। केंद्र सरकार के कुछ कानून होते हैं, कुछ नियम होते हैं, वो आप फॉलो नहीं करेंगे तो पैसा कैसे आएगा, ये कारण है। अभी ये 9 मार्च 2022 से बंद हुआ। हमारे मंत्रालय ने, हमारे मंत्री जी ने कई बार कहा कि जो कागज हमने मांगे हैं उसकी पूर्तता करो तो ये शुरू हो जाए। जो भ्रष्टाचार करता है, भ्रष्टाचार की शिकायत प्राप्त होगी तो उसके ऊपर कंप्लेंट, उसके ऊपर उसकी इंक्वायरी अवश्य होगी। आप उसको पार्टी के हिसाब से क्यों देखते हो? किसी ने भ्रष्टाचार किया हो, किसी भी पार्टी का हो, आप उसको पार्टी से जोड़ के मत देखिए, उसके भ्रष्टाचार को देखिए।